और ये ड्रोन अटैक। और ये बैरेक्टर ड्रोन का हमला। क्या यूक्रेन बैरेक्टर TB2 लड़ाकू ड्रोन से रूसी फौजों में खौफ पैदा कर रहा है? क्या है तुर्की में बने इस ड्रोन की खासियत? तो दोस्तों अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। तुर्की में बने इस ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने रूसी सेनाओं के कई कॉलम को तबाह कर दिए हैं। आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में इस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल हुआ और इस ड्रोन ने आर्मेनिया की सेना को तहस नहस कर दिया था। हाल ही में पाकिस्तान के पास भी इस ड्रोन के मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। पाकिस्तान की वायु सेना ने इसका एक बाकायदा ऑफिशियल वीडियो भी जारी किया है। बैरेक्टर TB2 ड्रोन 39 फुट लंबा और 21 फुट चौड़ा है। यह ड्रोन टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देता है। दोस्तों इस TB2 ड्रोन को हल्के हथियारों से लैस किया गया है। इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। साथ ही यह एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में काफ़ी कुशलता हासिल है। इस ड्रोन को रेडियो गाइडेड सिस्टम से युक्त होने के कारण 320 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देश इस ड्रोन को लेकर काफी चिंता जता चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के दामाद सेल्कुक बायरक्तर की कंपनी बायकर इस TB2 ड्रोन को बनाती है। दुनिया के कई देश या तो इसे खरीद चुके हैं या खरीदने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। हाल में हुए कई युद्ध में ड्रोन्स ने जंग के मैदान को अपने दम पे मोड़ दिया है, इसलिए आज इसे युद्ध क्षेत्र के नए रणनीतिक और प्रभावी हथियार के रूप में देखा जा रहा है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन लगातार तुर्की के इस खतरनाक लड़ाकू ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये सवाल बनता है कि क्या ये ड्रोन यूक्रेन को कितना साथ दे पाएगा। अब तो पाकिस्तान ने भी अपने पास इस ड्रोन की मौजूदगी को पुख्ता कर दिया है, जो हमेशा से इनकार करता आया था। तो भारत के लिए यह ड्रोन कितना खतरनाक होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों ये था आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए गाइड एम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।